उन्हें ये कहा था मेरे को चलान वगैरह से कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, इस कलर पे जाइए, कुछ अलग भी है। कस्टमर की एक खास डिमांड थी कि मेरी गाड़ी जैसी है अदा उसमें चेंजेस नहीं करवाने के भैया आगड़म छगड़म लगा दिया। ऐसा आ रहा है जैसे एल्युमिनियम नहीं शेड होता, एल्युमिनियम के बर्तन बर्तन वगैरह होते हैं। तो गाइस गाड़ी में हो चुका है A to Z सारा काम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू ऑटो शोरूम। दोस्तों मैं हूं समझ, तो आपके सामने खड़ी है मारुति सुजुकी बलेनो। बलेनो आई थी रैपोलिक्स फरीदाबाद के पास। इस गाड़ी के ऊपर रैप होने वाली है, तो रैप मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस पे होने वाली है मैट सिल्वर क्रोम, जो कलर आता है उसमें जो है रैप होने वाली है। तो वैसे दोस्तों इस गाड़ी का जो स्टॉक कलर है वो भी जो है सिल्वर रहने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये जो है स्टॉक कलर है, और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो है ये रैप हो चुकी है। गाड़ी का स्टॉक कलर भी सिल्वर था, जो रैप की फिनिश है वो भी जो है सिल्वर में रहने वाली है। तो ज्यादा कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। आज बात करते हैं इसके ओवरऑल चीजों के बारे में, क्या क्या जो है इस गाड़ी में होने वाला है। आधे से ज्यादा काम जो है हो चुका है फिलहाल, देख सकते हैं दोस्तों वर्क इन प्रोसेस है इसमें। यहाँ पे देखोगे तो इस गाड़ी के जो अलॉयज थे वो दोस्तों आपको पता ही है, इस वेरिएंट में आपको सिल्वर फिनिश मिलते हैं देखने के लिए। तो वो जो है ब्लैक, उनपे जो है मैट ब्लैक में जो है पेंट कर दिया गया है। एंड साथ दो डिस्कैरिपर्स थे उनके ऊपर जो है रेड पेंट कर दिया गया है। तो आप जो है नजदीक से देख सकते हैं, तो ऑलवेज की दोस्तों एक अलग ही जो है लुक निकल के आने वाली है। साथ के साथ ड्राइवर साइड डोर है उसके ऊपर जो है रैप हो चुकी है। ये यहाँ पे देख सकते हैं, ये रैप हो चुकी है। पूरी गाड़ी होने के बाद जो अलग ही जो है लुक्स निकल के आने वाली है ना, वो जो है काफी बेहतरीन रहने वाली है। तो ये है बिफोर कंडीशन, मैं आपको दिखा रहा हूँ। डेंट वगैरह थे वो जो है निकाले गए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं पुट्टी पुट्टी भर भरा के जो डेंट्स थे, यानी सरफेस जो है बिल्कुल क्लीन कर दिया गया है। तो वो देख सकते हैं यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे काफी डेंट थे, यहाँ पे डेंट थे। फ्रंट देखोगे तो व्हील आर्चेस के ऊपर काफी डेंट थे, क्लीन किए गए, यानी डेंटिंग के वेंटिंग के थ्रू जो है क्लीन किए गए। एंड अलॉय वगैरह जो है पेंट किए गए। बम्पर वगैरह दोस्तों खुल चुके हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। हेडलाइट ग्रिल वगैरह है, रेडिएटर ग्रिल हो गई, सारी जो है खुल के साइड में रखी है। इन्हें दोस्तों बाद में फिक्स किया जाएगा, यानी कि जैसे ही पूरी गाड़ी रैप हो जाती है। एंड बम्पर वगैरह दोस्तों यानी सिंगल पार्ट में जो है रैप किए जाएंगे, वो खोल के इसलिए ही रख दिए गए हैं। ये जो है बिफोर कंडीशन है गाड़ी की दोस्तों, जो कि रैपोलिक्स पे चल रहा है सारा काम। मैट सिल्वर क्रोम फिनिश में जो है रैप होने वाली है दोस्तों, मारुति सुजुकी बलेनो तरीके का जो है दोस्तों ये मैट सिल्वर क्रोम जो है रैप आता है। शाइनिंग वाला दोस्तों रैप है, यानी कि जो है ज्यादातर जितने भी दोस्तों रैप होते हैं वो उनमें शाइनिंग वगैरह इतनी नहीं रहती, पर दोस्तों इसके केस में इतना वो नहीं है। इसमें जो है शाइनिंग जो है बरकरार रहने वाली है। तो आप जो देख सकते हैं ये है दोस्तों गाड़ी की बिफोर कंडीशन, तो बलेनो को मैट सिल्वर क्रोम पूरी तरह से रैप होने के बाद। Approximately 10 hours later. तो गाइस गाड़ी में हो चुका है A to Z सारा काम। तो रैपोलिक्स पे दोस्तों गाड़ी आई थी, चलिए बात करते हैं गौरव भैया से जो करते हैं रैपोलिक्स को ऑन। तो कैसे हो गौरव भैया? बहुत बढ़िया, यानी रैप वगैरह की है। तो आप मुझे बताइए क्या क्या इस गाड़ी में प्रोसेस रही और क्या क्या इस गाड़ी में हुआ है जो इसकी इतनी बेहतरीन लुक्स लग रही है। इसमें क्या था, तो गाड़ी है मैक्सिमम पेंटेड थी। अच्छा, जहाँ जहाँ पर भी हम रैप कर रहे थे वहाँ वहाँ वो पेंट आ रहा था चिप ऑफ होके, तो वो सारी चीजें हमने ठीक करी। थोड़ा सा टाइम कंज्यूम हुआ, उसमें टाइम लगा थोड़ा सा वो, फिर उसके बाद हमने रैप स्टार्ट करा। रैप का जो मेन जो कलर है वो आप देख सकते हैं वीडियो में, थोड़ा सा सिल्वरिश लुक आपको दे रहा होगा। बेसिकली ये मैट सिल्वर क्रोम जो रैप है, ये दिखने में मैट है, सिल्वर भी है, क्रोम की जो है झलक वो भी आ रही है इसमें। साथ के साथ हमने जो अलॉयज है वो हमने साटन ब्लैक में करे हैं, रेड पेंट किया है। तो गाइस देख सकते हैं रेड एंड ब्लैक का तो कॉम्बिनेशन ही काफी बेहतरीन लगता है। तो अलॉयज पे आप देख सकते हैं। कस्टमर की एक खास डिमांड थी कि मेरी गाड़ी जैसी है, हाँ जी, मेरे को ज्यादा उसमें चेंजेस नहीं करवाने के भैया आगड़म छगड़म लगा दिया। छोटा छोटा कॉस्मेटिक चेंज हो, ओरिजिनल गाड़ी को जैसे कि हमने आप देख रहे हो इसमें क्रोम कोई भी हमने छेड़ा नहीं है। हाँ जी हाँ जी, क्रोम ज्यादातर वीडियो में क्रोम जो है डीक्रोम कर देते हैं, ब्लैक करते हैं उनको, क्रोम ही रहने दिया है। अच्छा, क्रोम एज इट इज ऐसा ही है। छत जो है हमने ब्लैक PPF करी है। अच्छा, ब्लैक PPF है जी। तो गाइस देख सकते हैं एक ये छोटा सा हमने डीकल बनाया है लेफ्ट रियर साइड पे, तो इसी से काफी बेहतरीन जो लुक निकल के आई है। देखो इनोवेशन है, हाँ जी, ने कहा था ज्यादा कुछ नहीं चाहिए मेरे को, बस एक छोटा सा ये पता लग जाए। हाँ जी, यार रैप करा रखा है बस, ये लोगों को पता लग जाए। ये बेसिकली कलर जो था इस गाड़ी का बेसिकली वो भी मेरे ख्याल से मैग्मा ग्रे जो आता है इनका, स्टील ग्रे जो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो उस टाइप का जो लाइट वाला जो लाइट वाला, तो सर ने ये कहा था जिनकी गाड़ी है ओनर, उन्हें ये कहा था मेरे को चलान वगैरह से कोई दिक्कत ना हो, गुड़गांव मेरी अप डाउन होता है। अच्छा, अच्छा। तो मैंने ठीक है इस कलर में जाइए, कुछ अलग भी है। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल अलग है जो कलर जो है ना, हाँ बिल्कुल हाँ। अलग है, जैसे आजकल लोग करा रहे हैं साटन ब्लैक या नार्डो ग्रे, उससे बिल्कुल अलग है। बिल्कुल आप देख रहे होंगे इसका फील जो है ऐसा आ रहा है जैसे एल्युमिनियम नहीं शेड होता, नहीं नहीं बिल्कुल एल्युमिनियम के बर्तन वगैरह होते हैं, बिल्कुल वैसा शेड आ रहा है। और भैया जो आपने डिकल बनाया ये रैप ही है ना, रेड एंड ब्लैक जो रैप, ये रैप ही है ना बेसिकली, साटन ब्लैक रैप है। अच्छा, और ये रेड PPF, रेड, अच्छा ये रेड ऊपर वाली रेड PPF,
अच्छा ग्लॉसी रेड पीपीएफ, हाँ इसलिए जो ये साइन अलग ही दे रही है, थोड़ा सा पीपीएफ में एज कम्पेयर टू रैप अच्छा ज्यादा होती है। तो भैया आपने बलेनो की एक मानी लुक्स काफी बेहतरीन रिस्टोरेशन सही कर दिया मतलब, तो भैया इसका प्राइसिंग वगैरह बता सकते हो? प्राइसिंग जो है इसकी, जो हमारा रैप का जो कॉस्टिंग पड़ा है इस गाड़ी के लिए, हाँ जी विदाउट डेंटिंग प्रोसेस, वो 33,000 कॉस्ट कर रहा है। थोड़ा सा ये नॉर्मल रैप से थोड़ा सा कॉस्टली है, अच्छा अच्छा, एज कम्पेयर टू मैट ग्लॉस जो हम करते हैं थोड़ा सा कॉस्टली है। 33,000 जो है इसका बलेनो के लिए प्राइस रहा है। अच्छा अच्छा, जो अलॉयज का है वो विद कैलिपर्स 9,000 रुपीज है। अच्छा वो अलग से है? हाँ वो अलग से है। और छोटे छोटे हमने कॉस्मेटिक चेंज कर, अच्छा इसके अंदर हमने रूफ भी इंक्लूड करी है। अच्छा रूफ 33 में जो रूफ पे जो ब्लैक पीपीएफ है वो इसी में इंक्लूड है। अच्छा अच्छा अच्छा, और हमने हाँ एक छोटी सी चीज और करी है, हमने इसके इंटीरियर में, हाँ जी इसके आगे के जो दो सीट कवर्स है बेसिकली ये यहाँ से साइड से फट रहे थे, क्रैक हो। अच्छा क्रैक, हाँ जी ये तो ब्रांड न्यू लग रहे हैं। अच्छा ये आपने चेंज किया आगे के? हाँ बिल्कुल, जैसा इनका पीछे का था बिल्कुल वैसे ही मैचिंग के। अच्छा अच्छा, तो गाइस यहाँ देख सकते हैं पीछे, यानी जिस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे रेड स्टिचिंग वगैरह है उसे जो है बरकरार रखने के लिए उसी तरीके के जो है फ्रंट में जो है फॉर्मेट दिया गया। तो ये आपने ही चेंज किए? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, अब अपने रेपोलिक्स का जो है यानी एड्रेस बता दीजिए कहाँ ये पड़ता है? ये हमारा सेक्टर 77-72 डिवाइडिंग रोड, हाँ जी, ग्रेटर फरीदाबाद में अपोजिट केएलजे ग्रीन सोसाइटी, हाँ जी, नीम का विलेज, नीम का विलेज यहाँ हमारा पड़ता है। आपको लिंक में आपको एड्रेस प्रॉपर मिल जाएगा, हाँ जी, और हमारा इंस्टाग्राम आईडी है repolix.faridabad, हाँ जी, उस पे भी आपको एड्रेस का लिंक मिल जाएगा। तो गाइज गौरव भाई ने हमें जो है सारी चीजें बता दी यानी जो है गाड़ी के बारे में। 33,000 रुपए दोस्तों जो है इस रैप का प्राइस है, एंड जो ऊपर देख सकते हैं जो ये ब्लैक पीपीएफ है वो भी इसी में इंक्लूड है, एंड साथ का जो अलॉयज है वो उस पर दोस्तों मैट ब्लैक, एंड जो कैरी पर्सन के ऊपर जो है रेड पेंट किया है उसके प्राइसिंग की बात करूँ उसका जो है 9,000 रुपए जो है प्राइस रहने वाला है। दोस्तों सारी चीजें मैंने बता दिया, एड्रेस वगैरह जो है गौरव भैया ने आपको बताई दिया है, डिस्क्रिप्शन में एंड डिस्प्ले पे जो है नंबर हो तो दिख रहे होंगे उनसे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों मारुति सुजुकी बलेनो की आफ्टर रैप के बाद कंडीशन, यानी कि दोस्तों गाड़ी का पेंट वगैरह जो है फेड हुआ पड़ा था एंड स्क्रैच वगैरह थे, तो मैंने आपको थोड़ी सी बिफोर कंडीशन दिखाई थी। ये है दोस्तों आफ्टर रैप के बाद बलेनो की लुक। तो यही था दोस्तों आज की वीडियो में, मिलते हैं इस तरह किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।